हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई डोंट नो कहाँ से शुरू करूँ। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। मैंने लास्ट व्लॉग आई गेस ऑस्ट्रेलिया में शूट किया था और वो कभी भी पोस्ट नहीं किया। अब एक छोटी सी मोटिवेशन मेरे को मिली है। मेरा जो चैनल है मोनेटाइज हो चुका है और जो थोड़े बहुत तेल पानी लायक खर्चा है वो अभी स्टार्ट हो जाएगा आना। सो मैंने सोचा क्यों नहीं वापस व्लॉग बनाया जाए। और या सो आज मैं एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दिस वीडियो इज़ अबाउट कॉन्टिनेंटल GT एंड इसके जो सबसे सस्ती मॉडिफिकेशंस जो कि आप कह सकते हो, मैंने जो छोटी छोटी मॉडिफिकेशन अपनी बाइक में भी रिसेंटली किए हैं उसके बारे में ये वीडियो है। सो उससे पहले आप ये छोटा सा आवाज़ सुनिए बाइक की और एक POV शॉट देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या अपनी बाइक में मैंने मॉडिफाई किया है। थैंक यू, बने रहिए क्योंकि आई गेस वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी पहले से काफ़ी बेटर होने वाली है। एंड अगर ये रिस्पांस अच्छा आता है विल कंटिन्यू टू डू सो। सो आई मेड इट टू द लोकेशन। थोड़ा सा घर से दूर क्योंकि मैं आप लोगों को जो मेरे बाइक के न्यू एग्जॉस्ट हैं इसकी आवाज़ काफ़ी क्लियरली सुनाना चाहता था, कोई ट्रैफिक की आवाज़ ना हो, इसीलिए ये खड़ा है जी अपना तूफ़ान। तो जो लोग इस चैनल पे पुराने हैं उनको पता होगा तूफ़ान के बारे में। एंड अभी तक 3 साल मेरे को हो चुके हैं अपनी बाइक के साथ और अभी तक जो सबसे पहली मॉडिफिकेशन हर एक बाइक लवर करता है और मैंने भी की, वो थी इसके एग्जॉस्ट। एंड आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ यूजिंग गुरसेवक मैंने फाइनली स्विच कर दिया टू आई गेस अ बेटर, लाउडर एंड लाइटर एग्जॉस्ट। क्रेजी एग्जॉस्ट पर भी आता हूँ और इससे पहले मैं आपको जो बाकी मॉड्स मैंने अपनी बाइक में किए हैं, कौन से मोड्स हैं और कितना कितना उनका जो कॉस्ट है, हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द चीपेस्ट, वो है मेरे साइड मिरर्स। ये है जी रॉयल एनफील्ड के साइड मिरर्स। एंड ये चीपेस्ट आप कह रहे हो कि यार चीपेस्ट कैसे हो सकते हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दीज आर लाइक सेकेंड हैंड एंड मैंने किसी अपने फ्रेंड से ये 800 में बाई किए हैं। सो या एंड उसका जो खामियाजा है वो मैं भुगत चुका हूँ। लुक एट दिस, मेरे को डील अच्छी मिली बट ये कल मार्केट में किसी ने करतूत कर दी। सो या कोई बात नहीं, जब आपकी मार्केट में बाइक खड़ी रहती है कोई भी, सबके साथ ऐसा होता है, कोई ना कोई शरारती आंसर होता है या जो पंगे लेके चले जाता है। सो ये था पहला मॉड, चीपेस्ट मॉड। नाउ इट्स टाइम फॉर टैंक पैड। ये हैं जी प्योर लेदर, मैंने ऑनलाइन बाय किया। नियर अबाउट ये टैंक पैड जो हैं ये मेरे को कॉस्ट करे हैं समवेयर अराउंड 1200। सो 1200 के ये टैंक पैड हैं। उसके बाद अगर हम बात की जाए तो है क्रैश गार्ड। मोटोटॉक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये क्रैश गार्ड मिल जाएगा एंड दिस कॉस्ट नियर अबाउट 3800। इसका नया मॉडल भी आ चुका है, वो नहीं 4100 के आसपास का है, लाइक 200-300 का ही फ़र्क है। उसमें कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा था और वो मेरे को नहीं चाहिए था। सो मैंने अपने जो पुराना वर्जन था मोटोटॉक के लेग गार्ड का वो ही मंगवाया है। एंड लेग गार्ड बाय किया था तो सबसे बड़ा रीज़न मेरा लेग गार्ड बाय करने का, इट्स नॉट फॉर सेफ्टी। ये लाइट्स इंस्टॉल करना, HJG, आपने काफ़ी पॉपुलर ये लाइट सुनी होगी, HJG 60 वॉट्स की एक लाइट है। कंबाइंड दोनों लाइटें ये नियर अबाउट 120 वॉट्स के आसपास हैं, काफ़ी अच्छी काफ़ी ब्राइट लाइट है। अगर
आने वाली वीडियोस में कभी मैं अंधेरे में राइड करता हूँ तो आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। सो या एच डी जी, इसका कॉस्ट है नियर अबाउट आई गेस 4200 के आसपास एंड इंस्टॉलेशन एक्स्ट्रा। वाटरप्रूफ है ये लाइट, है ये जीटी है, बुलेट रॉयल एनफील्ड वालों की ही है, पर ये आती है 650 cc में। हाँ जी भैया, 650 cc में आती है। तेल का भी है नियर अबाउट एवरेज आती होगी वही 20-22 के आसपास। हाँ, इसके आसपास ही आती है। हाँ, तो ये ऐसे जैसे हाईवे पे जाते हो कभी लेके तो इतनी आवाज़ में जाने देते हैं पुलिस वाले? भैया वो किस्मत हो अच्छी तो बच जाते हैं, नहीं तो पकड़े तो जाएंगे। पर अभी इसके जो वो आते हैं डीबी कलर्स आते हैं उससे आवाज़ कम हो जाती है एग्जॉस्ट पे ना, तो अंदर फिट हो जाते हैं इसके। और वो यही एग्जॉस्ट पे अंदर लग जाते हैं तो आवाज़ बिल्कुल शांत हो जाती है। हाँ, फिर कम हो जाती है, मतलब जितने पे चलान नहीं कटेगा उतनी हो जाती है। इन फॉग लैम्प के साथ साथ मैंने इंडिकेटर्स में ब्लिंकर्स और जो हेडलाइट है उसको वाइट किया है। एक बार आपको जगा के दिखा देता हूँ, ये देखिए ये ब्लिंकर्स है, इसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, आप किस तरह के इंडिकेटर्स को ब्लिंक करना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। और ये हेडलाइट इसको मैंने वाइट कर दिया। ब्लिंकर्स यूजली काफ़ी सारे ऑप्शन है, अगर आप लगवाओगे तो यहाँ से स्विच ऑन ऑफ का आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये वाला ऑन ऑफ का ऑप्शन हमारी इन लाइट्स का है। अब बारी है बाइक के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है इसके एग्जॉस्ट SS मोटोकॉप के 2x2 शॉर्ट कैंस। एंड इसका कॉस्ट है नियर अबाउट 30,000। अभी डिस्काउंट पे मिल रहे मेरे को थोड़ा सा 1,500 का, कंपनी भी डिस्काउंट चल रहा है सो मैंने ये वहाँ से ऑर्डर किए। कंपेयरिंग इट टू गुरसेवा के थोड़े से ज़्यादा लाउड हैं, माई बैड, गुरसेवा के थोड़े से ज़्यादा बेसी हैं, बट लाउड की बात करें तो ये ज़्यादा लाउड हैं। एंड और अदर बेनिफिट्स जो आपको इसके साथ मिलते हैं वो है कि ये छोटे हैं, कॉम्पैक्ट हैं, लाइट वेट हैं। अगर हम बाइक की बात करें, जितना बाइक में वेट कम होगा और उसमें फिर पावर टू वेट रेशियो जो इंक्रीमेंट मिलता है आपको पावर के अंदर, वो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा बेटर मिलता है। कंपनी भी क्लेम करती है कि इसको इंस्टॉल करने के बाद 5 BHP की पावर और थोड़ी सी एवरेज में आपको फ़ायदा मिलता है। सो ये थे जो मैंने अभी तक अपने मॉड्स बाइक में किए हैं। एंड और जो बिल्कुल फ्री के मॉडिफिकेशंस हैं छोटे छोटे, वो ये हैं कि मैंने यहाँ से जो मडगार्ड का एक्सटेंडर था वो यहाँ से उतार रखा है, मैंने पीछे से भी ये उतार रखा है। बाकी आप चेक कीजिए बाइक, आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। अब मैं आपको इसकी आवाज़ और जो लाइट्स हमने इंस्टॉल की है वो सब आपको दिखाता हूँ। सामने से कुछ ऐसा लुक आता है अगर मैं सारी लाइट्स ऑन कर दूँ एंड ब्लिंकर्स भी ऑन कर दूँ। सो ये थी आज की वीडियो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड कोशिश करूँगा कि आपके लिए GT का खूब सारा कंटेंट लेके आ पाऊँ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।